हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूंगी। इसे मैंने कैसे क्रिएट किया है, मैंने इस पार्टी लुक को कॉटन साड़ी के साथ क्रिएट किया है। मैं यहाँ सबसे पहले होममेड टोनर यूज कर रही हूँ, इसके बाद मैं एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर यूज करूंगी। अब मैं फाउंडेशन को अपने हाथों में लेकर पूरे फेस और नेक पर डॉट डॉट करके लगा लूंगी। फिर मैं इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे टैप टैप करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। यहाँ फाउंडेशन अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब मैं कॉम्पैक्ट लेकर इसे अपने फेस और नेक पे अच्छी तरह से लगा लूंगी, जिससे कि फाउंडेशन सेट हो जाए। यहाँ फाउंडेशन अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ सबसे पहले ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर इसे फ्लफी ब्रश की हेल्प से ग्रीज लाइन पे और उसके ऊपर इसे अप्लाई कर लूंगी। इसे मैं तब तक अप्लाई करूंगी जब तक मुझे मनचाहा कलर ना मिल जाए, और इसे मैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अब मैं स्किन कलर का आई शेडो लेकर इसे मैं आईलिड एरिया पे एज अ बेस अप्लाई करूंगी। अब मैं ब्लैक आई शेडो लेकर इसे आईलिड एरिया पे अप्लाई कर लूंगी। इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। मैं यहाँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से दोनों आई शेडो को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी, जिससे कि ये पैची ना लगे। अब मैं गोल्डन कलर का आई शेडो लेकर ब्लैक कलर के आई शेडो के ऊपर अप्लाई करूंगी। इसे भी हमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं ब्लैक आईलाइनर अप्लाई कर लूंगी। अब मैं व्हाइट काजल लेकर लोअर वाटर लाइन पर इसे अप्लाई कर लूंगी। अब मस्कारा अप्लाई कर लूंगी।
अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं मैरून कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर लूंगी। और ये मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर क्लिक करें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस लुक को रक्षाबंधन पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।